Hello friends, welcome to training of AutoCAD 2017 series. It's day 9. मैं हूँ अभिषेक keyframes animation से. तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे ये टेक्स्ट. सो उसका शॉर्टकट तो एकदम सिंपल है, टी प्रेस करके. पर अगर आप टी प्रेस करोगे तो एक एम टेक्स्ट आता है, वो है मल्टी टेक्स्ट, और यहाँ आप देखोगे वो है टेक्स्ट. तो मैं अभी टेक्स्ट के बारे में पहले बात करूँगा और फिर बाद में मल्टी टेक्स्ट देखेंगे. सो मैं ये एस्केप करता हूँ क्योंकि अभी जो नया वर्जन है इसमें तो और आसान कर दिया है, यहाँ सिंगल और ये मल्टी टेक्स्ट. तो मैं क्लिक करता हूँ सिंगल टेक्स्ट पे, सिंगल लाइन पे. और अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ठीक है. तो मैं स्टार्ट पॉइंट एक डिफाइन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ड्राइंग के बाहर आता हूँ. क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अभी वो, अगर आप देखोगे यहाँ क्या पूछ रहा है, वो हाइट पूछ रहा है. तो ये जो लाइन है ये आप जितनी बड़ी ड्रैग करोगे या ऊपर ड्रैग करोगे वो उस टेक्स्ट का हाइट रहेगा, राइट. तो पकड़ लो, मैंने अब यहाँ से यहाँ ही ड्रैग करता हूँ. और एंगल, अगर आप देखोगे यहाँ नीचे एंगल है, तो अगर मुझे एंगल नहीं चाहिए कोई तो मैं खाली वापस क्लिक करता हूँ. और क्लिक करने के बाद देखो जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है. सो मैं अभी टाइप करता हूँ और डबल एंटर करता हूँ, राइट. डबल एंटर, राइट. अभी ये 90 डिग्री क्यों हुआ है, क्योंकि अगर प्रीवियस सेटिंग में उसका 90 डिग्री था. तो लेट्स चेक वो क्या था. मैं वापस पे यहाँ टेक्स्ट पे जाता हूँ, सिंगल लाइन पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और हाइट पे ये हाइट देता हूँ. और ये देखो यहाँ दिख रहा है 90, तो मैं टाइप करता हूँ 0 डिग्री रोटेशन, यानि वो रोटेशन नहीं होगा. सो टाइप करते हैं अभी डबल बार एंटर, ये रोटेट नहीं हुआ, राइट. तो ये है सिंपल इसका फंडा. तो ये है टेक्स्ट. बट इसमें और एक चीज़ है, अगर मुझे इस टेक्स्ट का, अगर मुझे हाइट कम करना है, जैसे मुझे अभी इसका हाइट कम करना है, तो अगेन वी कैन गो टू प्रॉपर्टीज़. सो मैं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ. और प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्टली आप अगर देखोगे कि ये हाइट दिख रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब हमने जो सेट किए वो हाइट है. तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, हाइट बढ़ा सकता हूँ, से 0.8 ये बढ़ गया, राइट. और ये 0.2 छोटा हो गया. और वैसे ही रोटेशन अगर आपको 90 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, तो यहाँ से भी वो हो सकता है. बट यस, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना, नहीं तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ. और दूसरा है मल्टी टेक्स्ट. मल्टी टेक्स्ट जनरली मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ टी प्रेस करके. पहले टी प्रेस करके मल्टी टेक्स्ट ही आता है. और यहाँ से मल्टी टेक्स्ट दिखाने से पहला मैं ये सिंपल वाला दिखा देता हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लेता हूँ मल्टी टेक्स्ट. और मल्टी टेक्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ये है फर्स्ट कॉर्नर. और स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, ये लिया अपोजिट. तो ये बेसिकली हम, अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है तो उसके लिए हम मल्टी टेक्स्ट यूज़ करेंगे. सो मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है. ये नीचे आ गया क्यों, क्योंकि इसका बॉक्स यहाँ तक नहीं है. अगर मैं ऐसा स्ट्रेच कर लूँ, सॉरी ये मैं अंडू कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ऐसा स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से बढ़ गया, राइट. और क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ क्लोज टेक्स्ट एडिटर. अगर आप देखोगे ये सारा उसका टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ ओपन हुआ है. और ये प्रीवियस ओनली टेक्स्ट में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं था, क्योंकि ये है टेम्पररी मेनू आता है उसका, जो हम सेटिंग इसमें से कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा फॉन्ट ले सकता हूँ, फिर अलाइनमेंट कर सकता हूँ. हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे. पहला मैं इसको एक क्लोज़ कर देता हूँ. तो ये मैंने क्लोज़ किया यहाँ से, और इसको मैं मूव करता हूँ. मूव करके थोड़ा सा मैं साइड में लिख जाता हूँ,
क्या होता है ये थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, ठीक है, राइट। तो मैं इसको वापस एडिट करता हूँ, और एडिट करने के लिए मैं या तो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ या तो डबल क्लिक सबसे आसान है। पहला हम एडी करते थे, थियोरेटिकली अगर देखे जाए तो एडी ये एक्चुअली एडिट का शॉर्टकट है, अगर क्लिक करो तो ये एडिट जाएगा और एस्केप करो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रेस किया था ईडी मेरे कीबोर्ड पे और एंटर किया था और इस पे आया था। अभी वो अगर वो नहीं भी किया, मैंने डबल क्लिक किया तो भी वही होने वाला है। सो डबल क्लिक इज़ बेस्ट। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्टाइल्स दे सकता हूँ जो मैंने लिया था यहाँ से, जैसे कि मैं अभी कोई स्टाइल समझो ऐसे लेता हूँ, या कोई दूसरा स्टाइल है ये लेता हूँ और बाहर क्लिक कर लेता हूँ। अगर वापस मैंने उसको एडिट करना चाहा ये डबल क्लिक करके, तो वही यहाँ मेरे स्टाइल्स में है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक जो मुझे फॉन्ट चाहिए वो मैंने लिया। अगर आपको उसमें से कोई बोल्ड चाहिए तो सब बोल्ड हो सकता है, या तो नहीं, मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और की फ्रेम्स एनिमेशन को ही मुझे बोल्ड रखना है और इसको नहीं रखना है, तो मैं इसको बोल्ड निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अंडरलाइन इटैलिक चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हम जैसे वर्ड में होते हैं वैसे सेम वैसे ही हैं। और कलर चाहिए तो मैं यहाँ से अलग से कलर कर सकता हूँ, ये ऐसे कलर कर सकता हूँ। अगर ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, अब ये लेफ्ट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो यहाँ जस्टिफिकेशन में अगर मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर हो जाएगा, ये मिडल हो जाएगा, टॉप राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके जैसे जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट में जो होता है वो सारा चीज़ इसमें कवर है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो नंबर चाहिए तो 1, फिर वापस अगर मैंने ऐसे एंटर किया तो 2, तो ये जनरली सारे वर्ड में होता है वही है। एक बार आप चेक करोगे तो सारा चीज़ आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ये खाली ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आपको चूज़ करना है जो आपको चाहिए वो। सो ये मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। यस ऑफ कोर्स, लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, दो लाइन के बीच में अगर मैंने एंटर किया और मैंने ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखा है तो ये मेरी लाइन की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये है मतलब बिटवीन द ये लाइन और ये लाइन के बीच में तो उसका डिस्टेंस है, तो ये मैं 1 ही रख देता हूँ, ये वापस निकाल देता हूँ, राइट। और यस, इसके बीच में अगर मुझे कोई सिंबल ऐड करना है तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और ये डिग्री का सिंबल ऐड करना है, ये 45 यहाँ डिग्रीज, और यहाँ पे क्लिक करके एंगल जो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत सारे सिंबल्स हैं। और अगर आपको ज़्यादा सिंबल चाहिए तो ये यहाँ से अदर करके जाओगे तो उसका जो फॉन्ट्स है तो हम उसमें जाएंगे, तो मैं अगर अदर्स में जाता हूँ तो यहाँ से आपको जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कैरेक्टर मैप है, जो हमारा विंडोज़ में कैरेक्टर मैप है वही सेम कैरेक्टर मैप है, यहाँ से जनरली हम कॉपी कर सकते हैं जो सिंबल आपको चाहिए। जनरली हम कोई भी फॉन्ट्स, अगर अदर देन तुम्हारा इंग्लिश फॉन्ट, हिंदी या मराठी फॉन्ट तुम्हारा है, अगर वो तुमको चाहिए तो यहाँ से तुम क्लिक करके वो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करके फिर कॉपी करके और यहाँ आके वो पेस्ट कर सकते हो, ऐसे पेस्ट कर सकते हो तो वो फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी बात ये है, अगर समझो तुमको हिंदी या मराठी फॉन्ट कोई भी चाहिए तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पीसी में अगर हिंदी फॉन्ट है मराठी फॉन्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा वो, तो उसमें मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ अगर आपको सिंबल्स चाहिए तो वहाँ से हम कोई भी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ या तो एस्केप करता हूँ तो दोनों चलेगा तो एंटर हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हो गया मल्टी टेक्स्ट। तो अगर उसके वापस मुझे एडिट करना है तो डबल क्लिक करो तो ये हो गया उसके अंदर एडिटिंग, और एस्केप कर दो तो बाहर आ जाएंगे। तो ये था मेरा आज का टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट। तो आज मैं यहाँ लेक्चर रोक रहा हूँ
और यस, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, दैट इज़ की फ्रेम्स ऑनलाइन। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू ऑटोकैड या तो दिस ट्यूटोरियल, आप ज़रूर बताइए, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।